हेलो हिप हॉप लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक बार फिर से हिप हॉप की कुछ मजेदार अपडेट्स लेके आ गया हूँ। तो पहला अपडेट ये है कि एमी वे बंटाय का गाना आ गया है। गाने का नाम है सब कुछ न्यू, जो कि बहुत बेहतरीन गाना है। और जब आप गाना सुनेंगे तो आपको भी ऐसा फील होगा कि यार वाकई में गाना एमी वे बंटाय के लिए सब कुछ न्यू है, क्योंकि पूरा का पूरा फ्लो चेंज है और वेरिएशन चेंज है। और इससे पहले मैंने तो अभी तक कोई एमी वे का गाना नहीं सुना जो इस तरीके का वेरिएशन का है। तो वाकई पूरा चिल मूड में गाया है, हार्ड कुछ भी नहीं है, बट गाना बहुत मीनिंगफुल है और इस वक्त लिरिक्स पे काफी ज्यादा ध्यान दिया गया है। तो गाना बहुत खतरनाक है, आपने गाना नहीं सुना तो सुन लीजिए। और साथ साथ अगर आपने मेरा रिएक्शन वीडियो नहीं देखा है तो इस चैनल पे आपको रिएक्शन वीडियो मिल जाएगा, तो वो रिएक्शन वीडियो देख लेना। और दूसरी खबर ये है, इसे मिलती जुलती ये, कि कृष्णा ने एक बार फिर से, जैसे कृष्णा हर बार करता है, कुछ ना कुछ एमवी का गाना आता है तो उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ वो पोस्ट करते हैं। तो कृष्णा ने एक बार फिर से इस गाने के रिलेटेड एक चीज पोस्ट की है कि ये गाना जो है वो कॉपी किया गया है, इसको डिजाइन करके कॉपी कर दिया है। तो उन्होंने एक यूट्यूब चैनल का नाम दिया, तो मैं उस चैनल पे जब गया तो मैंने उस गाने को पूरा सुना, तो मुझे हल्का बहुत 8-10% लगा 100 में से कि कुछ थोड़ा सेम है, बट इसको कॉपी नहीं कर सकते, क्योंकि कोई सा भी गाना आज के टाइम पे आप उठा लो कुछ ना कुछ आपको चेंज या कुछ वर्ड आपको सेम मिल जाएंगे या म्यूजिक सेम मिल जाएगा, तो इतना तो चलता है। और कोई मुझे नहीं लग रहा कि कुछ पर्सनल उसने एमी वे ने उस गाने को सुनाकर उसे रिलेटेड बनाया होगा, बट जो भी है गाना बहुत खतरनाक है, बहुत बेहतरीन है। और दूसरा ये कि भाई एमी वे बंटाय का गाना आने वाला है 1 तारीख को, नो ब्रांड। साथ साथ कृष्णा का गाना भी आ रहा है 1 तारीख को, 1 नवंबर को। तो मुझे लग रहा है जैसे ही एमी वे बंटाय नो ब्रांड्स डालेंगे उसी वक्त तुरंत कृष्णा अपना गाना लॉन्च करेंगे। तो देखने वाली ये बात रहेगी पब्लिक किसको ज्यादा सुनती है। वैसे मुझे मालूम है एमी वे बंटाय को ज्यादा सुनेगी, बट कृष्णा भी भाई कम नहीं है। अगर कृष्णा टक्कर बराबर की देते हैं इस चीज़ की, मैं पर्सनल मेरा ओपिनियन ये है कि भाई कृष्णा बराबर की टक्कर देगा। तो बट बाकी देखना ये है कि भाई कृष्णा के गाने का क्या नाम है, एमी वे बंटाय का तो पता है नो ब्रांड्स गाने का नाम है, और कृष्णा के गाने का भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, तो शायद मुझे लग रहा है अभी वो उसको रिकॉर्ड करेंगे उसके बाद कुछ बताएंगे। तो ये था अपडेट। और दूसरा ये कि बादशाह का गाना आया है, गाना बहुत तोड़ा है, बहुत खतरनाक है, बादशाह के ऑफिशियल चैनल पे आया है इंटरस्टेलर। और जब आप ये गाना सुनेंगे ना, तो अगर आप हिप हॉप के लवर हैं तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और इसके बीट्स, इसके वर्ड्स, इसके म्यूजिक बहुत खतरनाक है, बहुत तोड़ा है। जब मेरे पास नोटिफिकेशन आया तो मैंने सोचा बादशाह कमर्शियल करता है, नॉर्मल गाने के तरीके से गाया होगा, लेकिन जब मैंने स्टार्टिंग की 2-3 लाइन सुनी, रात के टाइम आया था गाना तकरीबन 11 बजे के आसपास, और जैसे ही मैं तकरीबन 12-1 बजे के आसपास मैंने गाना सुना, और जैसे ही मैंने गाना सुना ना भाई साहब, मतलब दिल दहल जाएगा भाई, वैसा गाना है और गाना बहुत खतरनाक है। तो गाना आप वो भी जाके सुनो, और उसका रिएक्शन वीडियो मैं जब बनाऊंगा, जब उसका ऑफिशियल वीडियो आएगा, तो कुछ टाइम बाद ऑफिशियल वीडियो आ जाएगा, तो उसके रिएक्शन वीडियो के लिए रेडी रहिए। और साथ साथ ये है कि डीनू जेम्स का एक गाना फिर से लॉन्च हो गया है, गाने का नाम है तांडव, जो कि उन्होंने स्टेज शो कुछ टाइम पहले मुंबई में हुआ था तो उसके अंदर गाया भी था और लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया था। तो उसका ऑडियो ट्रैक आ गया है, तो 28 तारीख को उसका वीडियो ट्रैक आने वाला है। तो 28 तारीख को रेडी रहिए प्रॉपर सॉन्ग सुनने के लिए और मेरे रिएक्शन वीडियो के लिए। और मैंने गाना सुना, लिरिकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और कुछ कुछ हेटर्स को उसके अंदर रिप्लाई दे रखा है, जो डीनू जेम्स को कहते हैं कि यार ये रैपर नहीं है, ये तो बस खाली स्टोरी टेलिंग करता है, खाली लाइंस बोलता है, तो उसको प्रॉपर जवाब दिया। तो अगर आपने गाना नहीं सुना है तो डीनू जेम्स का वो गाना सुनिए, गाना बहुत बेहतरीन है। और दूसरा ये कि बादशाह ने अपने इंस्टाग्राम पे बोहिमिया पाजी का गाना शेयर किया था, और इस पर लिखा था कि लेजेंडरी, आई एम बोहिमिया, ऊपर लिखा था लेजेंडरी। तो भाई बाकी में बोहिमिया पाजी लेजेंड है, तो गाने को शेयर किया था और मुझे बहुत अच्छा लगा कि यार चलो यार हिप हॉप एक दूसरे को आप सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ टाइम से देखे तो काफ़ी सब डिस्ट्रैक वाला गेम चल रहा है, तो अब जो है हिप हॉप का सीन काफी बड़ा हो गया। तो आज सुबह सुबह एक और गाना आया पाकिस्तानी रैपर का, जिसका नाम है यंग स्टनर और तलहा अंजुम और तलहा यूनिस, तो इनका गाना भी आया है, गाने का नाम है नेक्स्ट लेवल। तो वाकई गाना बहुत बेहतरीन है, अगर आपने वो गाना नहीं सुना है तो वो गाना भी सुनिए, बहुत अच्छा फ्लो रहता है इनके, उनके बीट्स बहुत भारी रहते हैं और साथ साथ जो बार्स निकालते हैं वो भी बहुत कड़क रहते हैं। तब तक के लिए एंजॉय करिए, मस्ती करिए, और मेरी तरफ से सभी मेरे सब्सक्राइबर दोस्तों को हैप्पी दिवाली इन एडवांस। एंजॉय करिए, मस्ती करिए, और लव यू।